मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन फेल होने से अचानक यात्रियों से भरी ट्रेन जंगल में रुकी, जिसको लेकर घंटों खड़ी ट्रेन के यात्रियों का बुरा हाल हो गया। तकरीबन 6 घंटे के बाद दूसरे इंजन को लगाने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। अभी ओपन बिजनौर के चांदपुर रेलवे स्टेशन से मैहर महेश कुछ ही कदम की दूरी पर भागलपुर के पाल संख्या 2715 पर 4042 मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन चांदपुर रेलवे स्टेशन से सुबह 4:40 पर चली थी, तभी अचानक रेलवे लाइन पर पेड़ गिरने से इलेक्ट्रिक वायर में दिक्कत आने से तकरीबन 6 घंटे ट्रेन जंगल में खड़ी रही। रेलवे विभाग के कर्मचारियों ने दूसरा इंजन मंगाकर ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन में बैठे मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का इस दौरान सामना करना पड़ा। तो आप यहाँ इसमें गाड़ी में यात्री हैं? हाँ, यात्री हरदास से आएंगे। क्या कितनी देर से खड़ी गाड़ी? सुबह 5 बजे से खड़ी है जी। किस कारण खड़ी है पता है क्या आपको? टूट गई थी आगे से लाइन, आगे लाइन खराब हो गई है, पेड़ गिर गया था लाइन पे, लाइन टूटी पड़ी थी आगे से। तो यात्रियों को तो बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा। दिक्कत आ रही है, सुबह से 5 बजे से पड़े हैं जी। तुम्हें कहाँ जाना था? दिल्ली। हापुड़? हाँ जी, हमें दिल्ली जाना है। सर आपका नाम? कैयूम अहमद। ये क्या मामला है ट्रेन का? ट्रेन का मामला ये, आगे ओएचई के तारों पर पेड़ गिर गया कोई, उसके वजह से ओएचई भागी हुई है सुबह 4:44। ये कौन सी ट्रेन है? ये है 40-42 मसूरी एक्सप्रेस। आप क्या करते हो इसमें? मैं लोको पायलट। कब से खड़ी है ट्रेन यहाँ पर? खड़ी है 4:44 पे यहाँ। कहाँ पर? ये बागड़पुर के पास, किलोमीटर नंबर है 27-15। अच्छा, कब तक ठीक हो जाएगा? कब तक हो गया? चालू हो गया, ठीक हो गया, पर आ गई वही चीज। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।